तो अब देखिए बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग दिस टाइम वी आर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इन अब्सेंस ऑफ बैटरी। तो इन अब्सेंस ऑफ बैटरी चार्ज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, डायलैक्ट्रिक लगाने पे उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू तो इंक्रीज होना ही है, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब बात कर रहे हैं वोल्टेज को, वोल्टेज के बारे में, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इनटू वी, तो यहां से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू बाई सी। तो बात कर रहे हैं किसकी, हम पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी तो है नहीं, बैटरी रहता तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता, बैटरी के ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना था, Q बाई सी के इक्वल था, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल भी इक्वल टू Q बाई सी फाइनल, ठीक है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इसलिए चार्ज को क्यों ही रखे हैं, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है इसलिए सी की जगह पे क्या रख दिया, सी फाइनल रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई सी फाइनल कितना था, सी फाइनल वाज इक्वल टू के टाइम्स सी इनिशियल यानी के टाइम्स सी। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करके आप क्या बोल सकते हैं, v final is equal to v initial by k, एवरीवन यस और नो, सही बच्चे, हाँ ना डियर स्टूडेंट्स, प्लीज यस सर, ओके वेरी गुड। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी यहां पे देखिए कितना रहेगा, एनर्जी कितना होता है, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो यू इनिशियल कितना हो गया, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, यू फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, चलिए काम कर लेते हैं, हाफ इंटू सी फाइनल कितना हो रहा है, के टाइम सी इनिशियल हो जा रहा है, और वी फाइनल कितना हो रहा है, वी इनिशियल बाई के, तो वी इनिशियल बाई के का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, and this will be equal to, यहाँ पे k से k cancel कर दीजिए, half c v square by k, यानी आप क्या बोल सकते हैं कि u final will be equal to u initial by k, everyone yes or no, yes sir, okay yes sir। तो ये दो तरह का अपना question बन सकता है, in presence of battery, in absence of battery, अगर हम capacitor के अंदर dielectric को insert करेंगे तो different different चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। एक और चीज देख लीजिए बच्चों, अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यही होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यू ई इनिशियल कितना था, ई इनिशियल था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये था इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फाइनल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा फाइनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखिए इन अब्सेंस ऑफ बैटरी क्या चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है, नहीं चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, अगर चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये भी चेंज नहीं होगा, यानी यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, यहां पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, ये क्लियर है क्या सबको, हाँ ना, यस सर, ठीक है आगे चलें। अब बच्चों आवाज मेरी फंस के आ रही है क्या सर, आपका आप जो लिख रहे हैं ना वो देर से आ रहा है, ओके 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 आवाज क्लियर है सर, चलिए अगला अगला लिखिए। इसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि ये एक कैपेसिटर था, इसको हमने बच्चों बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, बैटरी था वी वोल्ट का, कैपेसिटेंस था सी, क्वेश्चन इज If separation between plates of capacitor, if separation between plates of capacitor becomes half of initial, if separation between plates of capacitor becomes half of initial, then find final potential and final charge of capacitor, ठीक है, in presence of battery, everyone बताइए हाँ या ना, क्वेश्चन लिख लिया, चलिए अब देखिए इस बार क्या हो रहा है, कि ये अपने पास था कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस था सी, और ये था बैटरी जिसका पोटेंशियल था वी, ओके
पहले ऐसा था, ये कैपेसिटर था वो पहले वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड था ना, तो इसका कैपेसिटेंस सी रहा होगा और वोल्टेज कितना रहेगा, वी रहेगा। क्लियर है ये? एवरीवन कीप रेस्पोंडिंग। अच्छा चलो, अब इसका सी इनिशियल की हम बात करेंगे। सी इनिशियल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही फॉर्मूला लगता है ना? बोलो हाँ ना। अब फाइनली क्या कह रहा है, फाइनली इनके बीच का प्लेट जो था उनके बीच के सेपरेशन को आधा कर दिया जा रहा है। फाइनल सेपरेशन कितना जा रहा है, डी बाई टू। इनिशियल सेपरेशन कितना था, इनिशियल सेपरेशन था बच्चों डी, फाइनल सेपरेशन डी बाई टू कर दिया गया। तो सी फाइनल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, टू टाइम्स। ओके हाँ वेरी गुड, यानी टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यू कैन राइट इट एज टू टाइम्स सी इनिशियल और टू टाइम्स सी। क्लियर है ये? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ओके वेरी गुड। अब देखिए, अब देखिए क्या, पहले था ऐसा, पहले था ऐसा, कैसा ऐसा, कैसा ऐसा, ये था बैटरी भी, ये था कैपेसिटर सी, बाद में हो गया ऐसा, ये हो गया 2C और बैटरी रहा है अभी भी कितना, अभी। तो क्या पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा? नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल, यानी भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। क्या कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, हाँ कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, सी इनिशियल इक्वल टू सी, सी फाइनल इक्वल टू टू टाइम्स सी। तो चार्ज के ऊपर चेंज आएगा, हाँ चार्ज के ऊपर चेंज आएगा, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा, सी इंटू वी, एंड क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, सी फाइनल इंटू वी फाइनल, वी तो चेंज नहीं हो रहा है, सी फाइनल टू सी इंटू वी, यानी फाइनल चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सी वी टाइम से, यानी यहाँ पे चार्ज कितना होगा सी वी, इस पे चार्ज कितना होगा टू सी वी। सही बच्चे? वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स का अलग अलग कैसा अरेंजमेंट होता है ये देखिए। तो देखो बच्चा लोग, अगर डाइलेक्ट्रिक हम लगाते हैं तो अपने को मालूम है कि कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग ढंग से भी कंबाइन करके आपको क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे कि दे देगा कि यह एक कैपेसिटर है, यह एक कैपेसिटर है और इसके दो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। इस वाले पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और नीचे वाला पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका नीचे वाले पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा 2K। नीचे वाले पार्ट का हो गया 2K। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह एक क्वेश्चन पूछेगा आपने से कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइनल सी का वैल्यू कितना होगा या फाइनल, हाँ फाइनल कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट कीजिए। अगर एरिया ऑफ प्लेट जो था, एरिया ऑफ प्लेट ए था, सेपरेशन जो था डी था इनिशियली। ओके एवरीवन, हाँ ना? ओके यस। तो इस तरह क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे बच्चों आप देख लो कि डिवीजन किस में हो रहा है, डिवीजन यहाँ पे एरिया में हो रहा है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर आप बना सकते हैं, एक कैपेसिटर ऊपर वाले पार्ट के लिए, एक कैपेसिटर नीचे वाले पार्ट के लिए, और दोनों कैपेसिटर ऊपर वाले पार्ट का एक कैपेसिटर, नीचे वाले पार्ट का एक कैपेसिटर, दोनों ही प्लेट, दोनों ही कैपेसिटर का प्लेट एक साथ और दूसरा प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों किस में है कनेक्टेड, पैरेलल में। ये क्लियर है? Yes, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस दे दिया हमने C1, इसका कैपेसिटेंस दे दिया C2, तो C1 का वैल्यू कितना होगा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, तो C1 वाले कैपेसिटर को बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बना रहेगा, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, सेपरेशन तो D ही है, लेकिन एरिया डिवाइड होकर कितना हो गया A by 2, पहला एरिया अगर A था तो बात करिए कितना हो गया A by 2, तो C1 कितना जाएगा K epsilon not A by 2D। ओके एवरीवन, हाना? Yes,
ओके अब बात करते हैं सी टू की, तो सी टू क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, नीचे वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, नीचे वाले का है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2K, नीचे वाले का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 2K, इसका भी एरिया आधा हो गया है लेकिन सेपरेशन उतना ही है, तो सी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, सही बच्चे? हाँ ना, यस सर। अब देखिए क्या, अब अपने पास ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 सी पैरेलल में क्या होता है, जोड़ देते हैं सीधे ना, अगर कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा सीधे जोड़ देंगे, तो C1 प्लस C2 कर देना है, तो C1 कितना था, C1 था K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D और C2 था 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, सो दिस विल बी इक्वल टू 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, सही बच्चे? हाँ ना, अब चलिए देखिए क्या, इसमें एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बोल रहा है क्या कि ये था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, कैपेसिटेंस इसका सी था, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था, सी था, और ये रहा बच्चों फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके हाफ पार्ट में हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, हाफ पार्ट में एयर है, इधर की तरफ जो डाइलेक्ट्रिक भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 81। अब अपने को फाइंड करना है क्या, कि फाइंड इफ इनिशियल कैपेसिटेंस वाज सी देन फाइंड फाइनल कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस पूछो अगर सी था तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये अपने को पता है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ ना, एरिया ऑफ प्लेट ए था, सेपरेशन डी था, तो क्या करेंगे यहाँ पे, एनीवन पहले ये बताइए कि सीरीज कैसे है, पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है? देखो बच्चों, मानते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है ना, इस वाले पार्ट में जो कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस C1 होगा, इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कितना, कैपेसिटेंस कितना होगा, C2 होगा, तो C1 C2 का अगर दो कैपेसिटर हम बनाते हैं, तो ये रहा अपना C1 और ये रहा अपना C2, एवरीवन? हाँ ना, यस सर, या फिर इसको ऐसे आप बना लीजिए, C1 C2 का आप ऐसे बना लीजिए, इस वाले प्लेट के लिए ये रहा C1 और ये रहा C2, ठीक है, ये रहा C1 ये रहा C2, ऊपर नीचे दो प्लेट हो गया। अब देखो इसके दोनों प्लेट एक साथ कनेक्टेड हैं, C1 C2 के प्लेट एक साथ कनेक्टेड हैं और नीचे वाले प्लेट भी एक साथ कनेक्टेड हैं, मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। अब बता दो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, प्लेट्स एक साथ जब कनेक्टेड है तो मतलब क्या हुआ, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो आपको देखो पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को उल्टा कर दिया है, इस वाले डायग्राम को आप 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है, तो बस डायग्राम को रोटेट किया है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू कितना होगा, C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो आधा जा रहा है, एरिया ऑफ प्लेट जो पहला वाला ये वाला कैपेसिटर यूज कर रहा है वो कितना, a बाई 2 ही यूज कर रहा है, तो C1 एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 और सेपरेशन तो d ही है, लेकिन इसमें डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 81 है, तो ये 81 टाइम्स हो गया। और C2 की अगर बात करेंगे तो C2 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, C2 में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, उसमें कुछ भी डायलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है, एवरीवन यस नो, सारे बच्चे अच्छे बच्चे, हाँ ना, ओके वेरी गुड। अब देखिए क्या, अगर बच्चों अपने को C1 C2 मिल गया, C1 C2 मिल गया, तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो C1 कितना हो जाएगा, 81 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D एंड दिस विल बी इक्वल टू 82 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D और यू कैन राइट इट एज 41 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। अच्छे बच्चे, हाँ ना, यस सर, यस सर, वेरी गुड। चलिए आप बोलिए 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 बोलेंगे बच्चे, किसी कुछ डाउट है क्या बच्चों, बताइए अगर डाउट है तो। ओके वेरी गुड, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है,
कि डायलैक्ट्रिक बच्चों ऐसा है, डायलैक्ट्रिक कैसा है, तो डायलैक्ट्रिक बोला ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। दिस इज फर्स्ट डायलैक्ट्रिक व्हिच डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज के वन, एंड दिस इज सेकेंड डायलैक्ट्रिक व्हिच डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज के टू। यहाँ पे डिविजन हो रहा है, इधर की तरफ के वन है, इधर की तरफ के टू है। सेपरेशन जो था वो डी था, लेकिन दोनों डायलैक्ट्रिक आधा आधा डिस्टेंस में रखे हुए हैं। ये भी डी बाई टू है, ये भी डी बाई टू, एरिया ऑफ प्लेट ए है। अपने को फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा। तो कैसे वर्क करे, तो देखो बच्चों यहाँ पे दो तरह के डायलैक्ट्रिक रखे हुए हैं। इधर वाला डायलैक्ट्रिक जो है सो के वन है, और इधर वाला डायलैक्ट्रिक जो है सो के टू है। तो दो कैपेसिटर बनेगा, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर। तो आप देखिए ये रहा कौन सा सी वन, और उसके बाद में जस्ट कनेक्टेड कौन सा है सी टू। सबको समझ में आ रहा है क्या, सी वन यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे सी टू चालू हो रहा है। तो सीरीज क्लियर है सबको बच्चों? हाँ ना, ओके। तो सी वन का वैल्यू कितना होगा, सी वन विल इक्वल टू के वन एप्सिलॉन नॉट, क्या एरिया चेंज हो रहा है, नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए, यहाँ से यहीं तक है ना ये, तो डी बाई टू। और सी टू कितना होगा बच्चों, सी टू विल बी इक्वल टू के टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी कितना है डी बाई टू। अब सी वन आ गया, सी टू आ गया, तो देयरफॉर वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। इसके आगे का काम बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं बच्चों। हाँ ना, अच्छे बच्चे, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो है वो कुछ ऐसा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक को प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, ऐसे अगर लगाया हुआ है कि मान लो ये प्लेट है, इसका सेपरेशन कितना है डी है, एरिया ऑफ प्लेट कितना है ए है, लेकिन इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब लगा दिया गया है जिसका थिकनेस दे दिया है कितना, जिसका थिकनेस दे दिया बच्चों टी के इक्वल। इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है के है, इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है। अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालना, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आप चाहिए तो ऐसे इसको रिपीट करके बना सकते हैं कि दो कैपेसिटर है वो इस ढंग से कनेक्टेड है, एक में डायलैक्ट्रिक लगा हुआ है, दूसरे में डायलैक्ट्रिक नहीं लगा हुआ है। अगर इसको डायलैक्ट्रिक के थिकनेस को टी दीजिएगा तो ये वाला थिकनेस कितना हो जाएगा डी माइनस टी। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है। ये वाला थिकनेस कितना हो गया, ये वाला थिकनेस हो गया डी माइनस टी के इक्वल, ये वाला थिकनेस हो गया है, और ये वाला थिकनेस कितना है टी है। तो डायरेक्ट आप ऐसे बना लीजिए, और ऐसे बना ही लेगा तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। C1 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा C1, ये होगा C2। C1 will be equal to epsilon not A by D, D की जगह पे D minus T रख दीजिए, और C2 कितना हो जाएगा, C2 will be equal to K epsilon not A by D, तो K epsilon not A by D की जगह पे T रख दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों सीरीज में है, तो 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2, ऐसे करके आप लोग ला सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं बोलूंगा इसका मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उस फॉर्मूला को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया ना तो आपको सोल्व करने में दो मिनट का टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। और फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अपना जो फाइनल सी इक्विवेलेंट होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, या फिर ऐसे याद रख लीजिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस सिचुएशन में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपको रट के रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है, या हो सकता है आपको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में कुछ वैल्यू दे दे, एरिया दे दे, सेपरेशन दे, टी दे दे, सब कुछ दे दे, तब भी आप लोग अगर ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका एग्जाम में टाइम बचा देगा। ओके एवरीवन, यस सर, सारे बच्चे, हाँ ना, हाँ ना, यस नो, यस सर। अब देखिए क्या, अब इसके बाद एक दो तरह का और कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन डायलैक्ट्रिक का आता है तो क्या आप लोग बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कि डायलैक्ट्रिक जो है वो प्लेट के बीच में ऐसे भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, तो ऐसे भरा हुआ है, दिस इज वन डायलैक्ट्रिक, दिस इज अनदर डायलैक्ट्रिक, एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ डायलैक्ट्रिक। हालांकि इतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आएगा तो बन पाएगा क्या सबसे, हाँ ना, हाँ सर, ओके ये अगर K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो इसको आपको बनाना है। देखिएगा एक ये आ जाएगा, एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, उसको बनेगा तो बनेगा क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सोल्व करो, प्रीवियस ईयर वाला जितना भी क्वेश्चन है उसमें से ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो।
ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो अभी फंस रहे होंगे, वो भी आपका आगे बनने लगेगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उसका डाउट मेरे पास आया था, मैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो वो सभी क्वेश्चन भी आप लोगों से बनने लगेंगे। तो ये था बच्चों अरेंजमेंट ऑफ डायलैक्टिक। और एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है डिफरेंट प्लेट को अगर इस ढंग से कनेक्ट किया हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि प्लेट्स जो है वो अगर इस ढंग से कनेक्टेड है, ठीक है, बोल देगा क्या कि फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। आपको दे दिया रहेगा प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो डी है, दोनों ही प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है डी है, और दोनों ही जो प्लेट है बच्चों उसके बारे में आपको दे देगा कि एरिया भी सबका कितना है ए। अब इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, जिस सीक्वेंस में मैं सिखा रहा हूँ उस सीक्वेंस में करोगे तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले जिस दो पॉइंट के बीच में अपने को कैलकुलेट करना है ना कैपेसिटेंस, उस दोनों पॉइंट को पहले आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, कैसे भी, बस एक इसको मान लो हमने वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक प्लेट का नंबरिंग दे देना, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, हर एक साइड का हमने क्या किया नंबरिंग दे दिया। एक बार बच्चों आपने नंबरिंग दे दिया, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, ये था पॉजिटिव प्लेट, ये था नेगेटिव प्लेट, तो जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर से कनेक्टेड है ना उस वाले को, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उसको प्लस चार्ज दे दीजिए, तो ये सभी कहां आ गए प्लस चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है उसको आप लोग क्या कीजिए, उसको आप लोग माइनस चार्ज दे दीजिए। एवरीवन यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। सही बच्चे, सही बच्चे, यस सर। ओके, अब देखिए क्या, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो देखिए ये वन और सिक्स बाहर वाला जो प्लेट है ना उसको कंसिडर नहीं कीजिए, वन और सिक्स को कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे बस दो तीन चार पांच, दो ये चार ही प्लेट को कंसिडर करना है, क्योंकि यही दो प्लेट जो है ये क्या कर रहे हैं, इनर्जी को सर्टेन रीजन में बाउंड किए हुए हैं, इसका इनर्जी तो इन्फिनाइट तक फैला हुआ है, उसको कोई रोक के रखने लायक नहीं, तो ये दो ही कैपेसिटर यहाँ बन रहे हैं। तो देखिए एक तो है प्लेट टू, और प्लेट टू के सामने कौन सा प्लेट है, प्लेट थ्री है। एवरीवन यस नो, प्लेट टू के सामने कौन सा था, थ्री था। यस सर। और देखिए थ्री से कनेक्टेड कौन है, थ्री से कनेक्टेड है फोर, थ्री से कनेक्टेड है बच्चों कौन फोर, और फोर के सामने कौन है, फोर के सामने बच्चों है फाइव। ओके बच्चों, हाँ ना, यस यस। अब देखिए क्या, अब आपको क्या बोल रहा है क्या कि फाइव और टू जो है, फाइव और टू बच्चों वो एक ही प्लेट है, फाइव और टू जो है वो एक ही प्लेट है। ओके एवरीवन, और थ्री और फोर जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, बैटरी से। थ्री और फोर जो है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, थ्री जो है, थ्री और फोर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, फाइव और टू जो है, फाइव और टू वो किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ओके सर, समझे क्या, सही बच्चे, हाँ ना। हाँ सर, डाउट जरूर पूछ लेना, अभी और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा ये। तो देख लीजिए ये कैसा हो गया, ये जो अपना बैटरी हो गया, ये रहा बैटरी, ठीक है, बैटरी यहां तक गया, बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर यहां तक गया, और यहां से दो प्लेट्स मिल रहा अपने को, एक प्लेट टू मिल गया, और दूसरा जो वायर जो है ये जाकर के फाइव से कनेक्टेड है, टू के सामने थ्री है, टू के सामने थ्री है, और फाइव के सामने कौन है, फाइव के सामने फोर है, ये दोनों कनेक्टेड है ऐसे, और बैटरी ये रहा। अभी दोनों किसमें है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू कर दीजिए। अब एरिया ए है, सेपरेशन डी है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस विल बी इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बच्चों हाँ ना। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टाइप इज लाइक दिस। ए और बी के बीच में अपने को सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ओके सॉल्व किया जाए। हाँ सर। शांत हो गए हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो चलो ए और बी को क्या कीजिए, आप लोग बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। हमने कनेक्ट कर दिया ए और बी को बैटरी से, तो ये रहा क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो प्लस 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 प्लस, नेगेटिव टर्मिनल वाला माइनस 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 माइनस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तुम दोनों किसी काम के नहीं क्योंकि आउटर मोस्ट प्लेट पे हो।
ओके अब चलिए स्टार्ट करना है कहां से अपने को, बैटरी के पास से स्टार्ट करना है। देखिए बैटरी के पास से स्टार्ट करते हैं, तो ये रहा बच्चों अपना बैटरी। ओके बैटरी से डायरेक्टली कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है देख लीजिए यहाँ पे। तो बैटरी से बच्चों डायरेक्टली कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है 2, 5 और 6। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली 3 प्लेट्स कनेक्टेड हैं, एक है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 6। ठीक है, 2 के सामने क्या है, 2 के सामने 3 है, 5 के सामने क्या है, 5 के सामने 4 है, 6 के सामने क्या है, 6 के सामने 7 है। 3, 4 और 7 जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, तो 3, 4 और 7 डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। क्या ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा? चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन इज, ओहो मेरा पेज ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं इसी पे वर्क कर लेंगे। एक और क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, दिस इज ए दिस इज बी, ए और बी के बीच में अपने वर्क करना है। क्या करेंगे बच्चों, ए और बी को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको प्लस दे दीजिए, प्लस प्लस प्लस, और नेगेटिव टर्मिनल वाले को माइनस 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 माइनस। ओके अब देख लीजिए नंबरिंग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 7 किसी काम का नहीं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आएगा 5, 6, 7, 8, 1 और 8 बच्चों किसी काम का नहीं। और साथ ही साथ आप देख लीजिए बच्चों 2, 3 ये रहा 4 और 5, तो 4 पे भी नेगेटिव चार्ज है, 5 पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दो आमने सामने वाले प्लेट जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट स्टार्ट करना है कहाँ से आपको, बैटरी के पास से, बैटरी के पास से स्टार्ट कीजिए। बैटरी के पास से स्टार्ट किया, ये कौन है 2 और 7 डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो 2 और 7 डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। 2 के सामने है बच्चों कौन, 1 और 7 के सामने कौन है, 6, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। बना लेंगे दोनों पैरेलल में है, बच्चे माना बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कीजिए आप लोग, घर पर प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। आज कुछ मैं असाइनमेंट्स वगैरह देखता हूँ, इस पे भेजता हूँ, एक लेक्चर और अपना लेगा, कल के लेक्चर अपना कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चलेंगे। कैपेसिटर से बच्चों 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 2 भी आ सकता है, तो ध्यान से अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर।